वाराणसी में चोरी की घटना का पर्दाफाश, एक अभियुक्त गिरफ्तार, ज्वेलर्स सहित हजारों का माल बरामद। जी आपको बता दें खबर वाराणसी से, जहां मिर्जा मुराद पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर श्यामा माता मंदिर जाने वाले मार्ग पे नहर पुलिया के पास से चोरी की घटनाओं में शामिल अभियुक्त अजय राजभर को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे में 20 की पेड मोबाइल, एक जोड़ी पायल, वही एक जोड़ी बिछिया, मिक्सर मशीन, गैस सिलेंडर व लोहे की राड के साथ 710 रुपए नगद बरामद करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। मैं आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने थाना अध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया, राजेश कुमार मौर्य, सुनील कुमार गौड़ व कमलेश कुमार यादव शामिल रहे। देखिए आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, एडिशनल डीसीपी गोमती जोन सरनन, एसीपी राजतालाब और एसओ मिर्जा मुराद के नेतृत्व में ये चार मुलजिमान के गैंग में से तीसरा मुलजिम अजय राजभर पकड़ा गया है। एक मुलजिम भी फरार है। ये गैंग लगातार जो है नकब लगा करके, जैसा कि आपको आला नकब दिखाया गया था, नकब लगा करके चोरी की वारदात करते हैं। इस नकब के माध्यम से ये शटर उठा करके, दुकानों के शटर उठा करके या दीवार को फाड़ करके ये वारदात कारित करते हैं। इससे दो चोरी का माल बरामद हुआ है। ये दो चोरी के माल में 20 मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछिया और उषा मिक्सर ग्राइंडर और एक सिलेंडर जो घर के अंदर से चोरी किया गया था वो बरामद हुआ है। एक मुलजिम भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इस टीम को 10,000 रुपये की इनामी घोषणा करेगी। बनारस में या अन्य जनपदों में भी सक्रिय हैं? देखिए जो अभी तक हमारे जो पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से ये मिर्जा मुराद का रहने वाला है, मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र और राजतालाब थाना क्षेत्र इनकी इस गैंग के द्वारा अफेक्टेड एरिया थे और अभी हम लोग इस पर प्रोब कर रहे हैं। दूसरा जो मुलजिम है उससे वारदात के बारे में, अन्य वारदातों के बारे में जानकारी की जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा राजतालाब के इलाके में जो वारदातें की गई हैं वो भी प्रकाश में आएंगी।